हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, जल्द ही राजस्थान में निकलने वाली स्टेनोग्राफर और पटवारी के 3000 पदों पर बड़ी भर्ती। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सो गाइस, जैसा कि बता दें आपको, सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, राजस्थान सरकार की ओर से जल्दी पटवारी और स्टेनोग्राफर की बड़ी भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जल्दी जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में स्टेनोग्राफर और पटवारी भर्ती निकालने की ये घोषणा नई नहीं है बल्कि पुरानी है, जिसके तहत इस साल अप्रैल के माह में ही नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन अभी तक ये अटका हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन इसी माह तक जारी किया जा सकता है, इसलिए जल्दी जारी होगा भर्ती का नोटिफिकेशन। जी हाँ, ये चुनावी साल होने के कारण राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की बाड़ लगा दी गई है। इनमें से कई भर्तियों की परीक्षा आयोजित करके नियुक्ति दी जा रही है, तो वहीं कुछ भर्तियां जल्द से जल्द निपटाने वाली हैं। जी हाँ, ऐसे में माना जा रहा है कि प्रस्तावित स्टेनोग्राफर व पटवारी भर्ती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए इस महीने नोटिफिकेशन निकालकर अगस्त सितंबर तक परीक्षा का आयोजित कर अक्टूबर तक नियुक्तियां दी जा सकती हैं। 3000 पदों की होगी भर्ती। जी हाँ, सूचना के अनुसार ये भर्ती 3000 से अधिक पदों के लिए निकाली जाएगी, जिसमें पटवारी के 2000 और स्टेनोग्राफर के 1000 से अधिक पद शामिल हैं। हालांकि फिलहाल पटवारी और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए पदों की संख्या घटने और बढ़ने में राजस्व विभाग विचार विमर्श में लगा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस भर्ती में पटवारी और स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या और अधिक बढ़ाई जा सकती है और जल्दी प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा सकता है। अब आखिर में आता है कि इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। तो बता दें आपको, RSMSSB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पटवारी वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज पर जाकर SSO ID के माध्यम से लॉगिन करें। पटवारी भर्ती फॉर्म भरें और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें। फॉर्म भरने के बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसे रिक्रूटमेंट से अपडेट रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।